चाय भी पीते हो वैसे? चाय भी पीते हो? सुबह चाय मिलती कि दूध मिलता? दोनों मिलते। क्या पीना वो आपकी इच्छा पे? इच्छा पे? और तो भी जहर पीते? बड़े बुद्धिमान। अरे प्रतिबंध तो फिर भी समझ में आए कि सब क्या करें, चाय दे तो चाय पीते। सारे वैज्ञानिक एक मत हैं कि चाय और कॉफी में कैफीन और निकोटिन नामक पॉइजन होता है। पॉइजन मतलब जहर। तो निकोटिन और कैफीन, और सारे वैज्ञानिक एक मत इसमें, यानी अपवाद नहीं है, सब एक मत। और इतना ही नहीं, ये तो वैज्ञानिकों का हुआ कि जहर होता। अपने हिसाब से अपन देखेंगे तो नशा कारक अवक्ष है। और इतना ही नहीं, आए दिन उसके संबंध में कितनी गड़बड़ गड़बड़ बातें भी सुनने में आ जाती। कहीं वो रक्त की सिंचाई की जाती है, ऐसी भी बातें आ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या सुनने में आ जाता। तो वो भी अब सच्ची झूठी कितनी है भगवान जाने, पर चाहे जब सुनने में आ जाती। और इतना ही नहीं, मूल में है तो पत्ती, चाय की पत्ती होती। और सभी प्रकार की पत्तियां अनंत कायिक होती हैं। जो उस दिन भोजन की बात की थी ना, 6 नंबर तक की, उस दिन कहा था पत्ती तो कोई सी भी भक्ष नहीं है, वो चाय तो पत्ती ही, वो फल नहीं है, वो पत्ती है। और इतना ही नहीं, वो सूखती है ना, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती है ना चाय, उसकी पत्ती ऐसी बराबर मुड़ी हुई, अच्छी लंबी लंबी पत्ती मुड़ी हुई। और उस मुड़ी हुई बीच में पोली में तो आली भी घुसी हुई हो, मरी हुई मिल जाएंगी आपको। तो कोई भी पत्ता आप सुखाना है ऐसा कृत्रिम, तो मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा तो कोई भी जीव जंतु उसमें आसानी से बैठेगा, बैठे बैठे मरेगा, और वैसे बिक गया, और अपन ने लिया और सीधा अधन में डाल दिया। यानी हर दृष्टि से हानिकारक। तो कदाचित प्रतिबंध हो, यानी दूध मिलेगा ही नहीं आपको, चाय पीना हो तो पियो और नहीं पीना हो तो मत पियो, ऐसा कोई प्रतिबंध हो तो अलग बात है, पर भी स्वेच्छा पर ही छोड़ा गया कि आप जो पियेंगे वो मिलेगा, तो स्वप्न में भी जहर पीने का भाव नहीं रखना, क्योंकि मनुष्य भाव मरने के लिए नहीं पाया है, अमर होने के लिए पाया है। मरना है, अमर होना क्या काय के लिए आए, मरने के लिए क्या, अमर होने के लिए? तो फिर मरने का साधन काय को पी रहे, जहर काय को पी रहे? तो इसलिए बुद्धिपूर्वक तो उस जहर को पीने का त्याग कर।